भाई पीयूष तो सही खेल रहा था यार। भाई मारो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा। चले 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 वापिस नीचे ना चला जाए, काफी ऊपर आ गया मैं। काफी तो क्या आ गया, थोड़ा सा ऊपर तो आ ही गया। ओ ओ तो आप लोग देखा ही होंगे जो सौरभ जोशी ने जो पीएस जोशी का जो गेमिंग चैनल पर उन्हें एक गेम खेला था जिसका नाम है गेटिंग ओवर इट। उन्होंने ये गेम खेला था, वो ये गेम खेलकर काफ़ी गुस्सा भी हुआ और काफ़ी उनको निराश भी हुई क्योंकि उनको गेमिंग नहीं आता है, फिर भी उन्होंने लोगों को इंटरटेन करने के लिए आया था और वो कैसे निराश हुई आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। भाई अब मिल जाए ना खुशी। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये कि तुमको फर्स्ट्रेट करना क्योंकि स्टार्टिंग में देखो मैं यहां तक भी नहीं चढ़ पा रहा था। मस्त जोक मारा रे। अब मैं यहां तक कैसे चढ़ पा रहा हूं भाई, अब मैंने क्या कर रहा हूं जब मैं वही चुप, बिल्कुल चुप। मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ये तो गलत बात है भाई। ये बहन चो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। ये मुझे लग रहा है गेम में कुछ फंडा है कि भाई बंद हथौड़े का थोड़ा दूर, हथौड़े का थोड़ा दूर, हथौड़े का थोड़ा दूर, चढ़ जा। या भाई क्यों नहीं चढ़ रहा अब तो थोड़ा थोड़ा दूर। तो आई होप देखा ही होगा जो सौरभ जोशी का जो पीयूष गेमिंग का, उनने एक गेट को बड़ी गेम खेला था तो इसमें उनका बहुत सारा मिस्टेक था और पीयूष से ज़्यादा और भी ज़्यादा उनका जो गेम प्ले वो नहीं हो रहा था और लोग उनको ब्लॉक बनाना ही आपको बेहतर रहेगा और साथ ही साथ आप गेमिंग का आप करियर मत बनाओ, ऐसे लोग उनको रिएक्शन कर रहा था। और सौरभ जोशी ने ये कहा है कि वो ये जस्ट ट्राई कर रहा था और उनको जो कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उनको माफ़ कर देने ये उन पोलास में कहता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद तो क्या ही आया होगा, मैंने तो